हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द पाइथन तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको पाइथन सेट्स के बारे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए स्टार्ट करते हैं इन पाइथन अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ठीक है सेट में क्या होगा यूनिक एलिमेंट्स होंगे आपके पास कोई डुप्लीकेट नहीं होगा बट इसमें क्या होगा अनऑर्डर्ड और ये म्यूटेबल आप इसको म्यूटेट कर सकते हो चेंज कर सकते हो ठीक है सेट्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग यूनिक आइटम्स इसमें हम यूनिक आइटम्स को स्टोर करेंगे और परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन हो गया इंटरसेक्शन हो गया डिफरेंस हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ठीक है तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हाउ टू क्रिएट द सेट्स सेट को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस ठीक है तो इस तरीके से क्या हो गया आपका सेट क्रिएट हो गया ठीक है नेक्स्ट में है अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरीके से आप एम्प्टी सेट यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर एंड यूजिंग कर्ली ब्रेसिस क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी ठीक है तो इस तरीके से क्या हो गया आपने एम्प्टी सेट क्या कर दिया क्रिएट कर दिया ठीक है उसके बाद अगर आपको असेस करना है एलिमेंट्स सेट के अंदर से तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे सपोज मान लो प्रिंट टू इन माई सेट ठीक है सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन सेट्स क्या है अन ऑर्डर कलेक्शन है तो यू कैन नॉट अस एलिमेंट्स ऑफ अ सेट यूजिंग इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग से आप गेट नहीं कर सकते ठीक है इसके लिए यू कैन ओनली चेक फॉर द मेंबरशिप यूजिंग द इन ऑपरेटर आप सिर्फ चेक कर सकते हो मेंबरशिप ऑपरेटर से ठीक है जैसे कि प्रिंट टू इन माय सेट उसमें है कि नहीं है ठीक है तो ये क्या आ गया कि अगर आपके सेट में ये होगा वैल्यू तो ट्रू आ जाएगा नहीं तो फॉल्स आ जाएगा ठीक है modifying the sets sets are mutable meaning you can add or remove elements after they are created usme aap add kar sakte ho ya remove kar sakte ho kaise my set dot add function se add an element to the set print my set to is tarike se kya ho jayega isme element add ho jayega theek hai next hai my set dot remove remove an element from the set ठीक है अगर आपको remove करना है कोई भी element तो आप इस तरीके से remove कर सकते हो जैसे थ्री element जो है मेरे को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑपरेशंस पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन मेथड्स ठीक है उसके कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं देख लेते हैं कौन से हैं जैसे यूनियन है अ न्यू सेट कंटेनिंग ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ सेट्स ठीक है इंटरसेक्शन है अ न्यू सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो रिटर्न हो जाएंगे यूनियन में आपके पास कंटेनिंग जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर वो सारे के सारे फ्रॉम बोथ द सेट्स वो रिटर्न हो जाएंगे ठीक है डिफरेंस में क्या होगा अ न्यू सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर इन द फर्स्ट सेट बट नॉट इन द सेकेंड जो फर्स्ट सेट में है लेकिन second set में नहीं है वो रिटर्न होंगे Symmetric difference में क्या आएगा? मतलब कि कि जो की दोनों में है दैट आर इन दर ऑफ द सेट्स बट नॉट बोथ बोथ में नहीं है ठीक है वो वाले क्या होंगे आपके पास रिटर्न होके आ जाएंगे ठीक है अब जैसे कि हमारे पास पहले ये सेट डॉट यूनियन सेट टू हमारे पास सेट वन सेट टू है आप प्रिंट कर लेते हैं सबको इकट्ठे ही ठीक है तो ये है हमारे पास फुल ऑन कोड तो चलते हैं पाइथन के कोड के अंदर पाइथन वेर इज पी फॉर पाइथन पाइथन सो ओपन इट विथ वी एस कोड Where is VS Code? Okay, so it's open now. Let's put the code. Okay, do you want to install Python transition? Install. Okay, so here we have the two sets, set one and the set two. Right? Next we have the union set, set one dot union set, intersection, difference, and symmetric. Now after that, we are going to print that each and everything. So okay. So first palace set meas kyoga. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Up union set karing. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. एंड फाइव बिकॉज थ्री दोनों में क्या है कॉमन है तो यूनियन होकर आ गया ठीक है तो यूनियन में हम मैंने आपको क्या बताया था रिटर्न अ न्यू सेट कंटेनिंग ऑल यूनिक एलिमेंट्स ठीक है अगर दोनों में जो कॉमन आ जाएगा वो उसको एक ही कंसिडर करेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि जो दोनों में क्या कहते हैं हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं

न्यू सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर ईदर ऑफ द सेट्स तो जैसे कि हमारे पास आउटपुट आती है वन टू फोर और फाइव ठीक है ये सिमेट्रिक सेट है मतलब थ्री इन दोनों में क्या था कॉमन था उसको एक्सक्लूड कर दिया बाकी वैल्यूज क्या कर दी प्रिंट कर दी तो मैं इसको रन कर लेता हूँ टर्मिनल पे जाके पाइथन थ्री हेलो वर्ल्ड डॉट वाई देख सकते हो पहला हमारे पास है क्या कहते हैं यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे आउटपुट थी वन टू थ्री फोर फाइव तो ये है वन टू थ्री फोर फाइव मैं उसको ऐसे कर लेता हूँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं हम इसको ठीक है हमारे पास ये आ गया ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव थ्री इंटरसेक्शन का आउटपुट फिर वन और टू जो हमारे पास डिफरेंस सेट है वो लास्ट में वन टू फोर फाइव जो कि हमारे पास सिमेट्रिक डिस्टेंस है ठीक है तो मैथड है सारा का सारा कोड ठीक है तो ये हमारे पास हो गए सेट्स के बिल्ट इन मेथड्स ठीक है अब सिमिलर टू द लिस्ट सेट कम्प्रीशन में सिमिलर टू द लिस्ट यू कैन आल्सो क्रिएट द सेट्स यूजिंग सेट कम्प्रीशंस तो आप इस तरीके से स्क्वायर्स में भी इसको यूज कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सेट्स आर कॉमनली यूज इन द पाइथन फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स ठीक है तो सेट्स बेसिकली हम किस लिए यूज करेंगे पाइथन के अंदर अगर आपको कोई लगता है कि हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं तो उस केस में आप सेट्स क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो रिमूविंग डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन परफॉर्मिंग सेट ऑपरेश्ड चेकिंग द मेबरशिप एफिशियटली हाउ एवर सेट्स आर नॉट ऑर्डर कलेक्शन सेट्स क्या है ऑर्डर कलेक्शंस नहीं है सो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट प्रिजर्व कि मतलब जिस भी आप ऑर्डर में चाहते हो कि मेरा इस इंडक्स पे ये होगा हो, तो वो 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 वाला केस नहीं है इसके अंदर ठीक है एडिंग और रिम्यूविंग एलिमेंट्स मैंने बता दिया आपको एड रिमूव डिस्कार्ड टू मॉडिफाई द सेट्स ठीक है तो इस तरीके से फ्रूट्स डॉट एड मैंगो किया रिमूव किया डिस्कार्ड किया ठीक है अगर गेप एग्जिस्ट इफ इट एग्जिस्ट बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इट विल शो द एरर ठीक है इस वाले केस में फूड्स रिमूव डिस्कार्ड ठीक है कॉमन सेट मैंने बता दी नहीं बताए हैं कुछ बताए हैं बट बत लेंथ का नहीं बताया मैंने रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट अगर लेंथ डॉट सेट लेंथ और इसके अंदर सेट लिखोगे तो आपको क्या आ जाएगा रिटर्न हो जाएंगे कितने एलिमेंट्स है सेट के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सिमेट्रिक मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसके अंदर चूज मीनिंगफुल नेम्स फॉर योर सेट्स हमेशा मीनिंगफुल नेम ही चूज करना है सेट्स के लिए क्लियर और कंसाइज मेथड्स जैसे कि एडिंग रिमूविंग और चेकिंग मेंबरशिप्स आप यूज़ कर सकते हो कंसीडर सेट्स व्हेन यू नीड टू रिमूव डुप्लीकेट्स जब भी आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं उस केस में आप यूज़ कर सकते हो और स्पेसिफिक एलिमेंट्स को चेक करना है एफिशेंटली ये यूज़ हो जाएगा ठीक है रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर नॉट गारंटेड मतलब कि इसके अंदर जो सेट्स की ऑर्डर है वो गारंटेड नहीं है क्योंकि अनऑर्डर है ये ठीक है तो ये है सेट्स के ऊपर ट्यूटोरियल इसमें कोई डाउट है कोई क्वेरी है कोई मैंने मिस कर दिया डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो हैव अ नाइस डे